बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदेद। उम्मीद है व्यूवर्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज के हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है कोल्ड ड्रिंक्स को गर्म करने के बाद क्या होता है। आज मैं आपको कोल्ड ड्रिंक्स को लाइव बॉयल करके आप लोगों को दिखाऊंगा। उम्मीद है कि ये देखने के बाद आप कभी भी काली पीली बोतलें नहीं पियेंगे और अपने बच्चों को भी बचाएंगे, खुद भी बचेंगे। इसके लिए हमें किचन में जाना होगा, तो हम चलते हैं किचन में और आपको बाकी प्रोग्राम दिखाते हैं। व्यूअर्स, हम किचन में आ गए हैं। इसके लिए हमें एक अदद पतीला चाहिए और चूल्हा, और ये ब्लैक कलर की कोल्ड ड्रिंक है। कोल्ड ड्रिंक को खोला हमने, और इसको पतीले में डाल दिया। अब हम चूल्हा चलाएंगे। अभी हमें थोड़ा वेट करना होगा। व्यूअर्स, कमेंट्स में मुझसे कोई पूछ रहा था कि हम इस ड्रिंक्स की जगह पे डाइट ड्रिंक आ रहा है वो पी लें। भाई, डाइट ड्रिंक भी यही चीज़ है, उसमें मसनूई शुगर डाली जाती है जिसे हम सक्रीन कहते हैं, और वो सक्रीन बहुत से ममालिक में बैन है। उसके भी बहुत ज़्यादा नुकसान हैं, जैसे याददाश्त की कमज़ोरी, चिड़चिड़ापन, सर में भारीपन। व्यूअर्स, आज की वीडियो देखने के बाद मेरा कभी ख्याल है कि आप दोबारा कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पियेंगे और अपने बच्चों को भी नहीं पिलाएंगे। बहुत अजीब सी इसकी स्मेल आ रही है। अभी ये गाढ़ा हो गया है। आप खुद सोचें कि इस तरह के कोल्ड ड्रिंक्स जब हम पिएंगे या अपने बच्चों को पिलाएंगे, तो ये मेदे में जाकर हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनेंगे। अभी ये देखें, पतीले का हाल देखें क्या हो गया है। व्यूअर्स, किचन में काम करना बहुत मुश्किल है, बहुत गर्मी है किचन में। हिम्मत है उन लोगों की जो किचन में काम करते हैं। ये देखें, इसकी शक्ल देखें व्यूअर्स, इसकी कैसी शक्ल बन गई है। ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया है, ये बिल्कुल इसकी शक्ल कोल तार जैसी हो गई है, जिससे हमारे रोड्स बनते हैं, सेम इसकी वही शक्ल हो गई है। ये देखें, हर खाने के साथ हम कोल्ड ड्रिंक्स बहुत शौक से पीते हैं, लेकिन अगर मैं किसी से कहूं कि इसको टेस्ट करे, तो कोई भी इसका टेस्ट करने को तैयार नहीं होगा। ये देखें, बिल्कुल कोल तार है, बड़ी अजीब सी इसकी स्मेल आ रही है इसमें से। वीडियो बनाकर आपको दिखाने का मकसद यही था कि आप लोग इससे अवॉइड करें, अपने बच्चों को भी अवॉइड करें, अपने बच्चों को भी रोकें कि वो कोल्ड ड्रिंक्स मत पिएं। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि जितने भी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां हैं, वहां पर कोल्ड ड्रिंक्स पे बैन होना चाहिए। इसी के साथ ही व्यूअर्स, मुझे इजाज़त दीजिए, दोबारा किसी नई मालूमती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।